नया संसद भवन यानी नए भारत की तस्वीर, नए भारत की उम्मीदें, नए भारत की आकांक्षाएं, नए भारत की नई उम्मीदों को लेकर नए पार्लियामेंट का आज उद्घाटन हो गया। लोकसभा कक्ष में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने संयुक्त रूप से नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़े गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे और सबको ही इस भव्य इमारत को देखकर, उसके अंदर स्टेट ऑफ आर्ट को देखकर बहुत ही खुशी हुई। नए संसद भवन के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और यह है यहाँ का पेंडुलम, समय का पेंडुलम। इस पेंडुलम का कंसेप्ट है कि हमारी धरती गोल है और वो गोलाई में घूमती है, लेकिन वह हमें एहसास नहीं होता है। इसको एहसास दिलाने के लिए कि धरती गोल है और वो समय समय पर घूम रही है, इसके लिए ये पेंडुलम बनाया गया है। ये 32 किलो का पेंडुलम है जो करीब 32 मीटर की ऊंचाई पर झूल रहा है और इसके नीचे जो ये छिद्र दिख रहा है, ये यहाँ मैग्नेट लगा है ताकि ये स्थिर न रहे, इस मैग्नेट से इसकी गति बनी रहे। और ये पूरे साल भर 24 आवर घूमता रहता है और इसकी जो पूरी धुरी है, पूरी जो इसकी गोलाई है, वो 50 घंटे में पूरी होती है। यानी वो 50 घंटे में जो पेंडुलम पहले उत्तर से दक्षिण और फिर पूरब से पश्चिम की तरफ मूव करता है, ये अपने आप है। इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि इसको कोई हिला नहीं रहा है, बस मैग्नेट से सिर्फ गति है दे रहा है और ये बता रहा है कि जो धरती गोल है वो कैसे गोल है। यानी पेंडुलम जो अभी पूरब से पश्चिम की तरफ चल रहा था, वो कुछ देर बाद पश्चिम से उत्तर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो ये बड़ा यूनिक है और इसका जो कंसेप्ट है वो हमारे विज्ञान विभाग का है और ये कुछ देश के कुछ हिस्सों में लगा रखा है, जैसे पुणे में ये सबसे बड़ा था, लेकिन आज जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो इस संसद भवन में ये सबसे ऊंचा, यानी हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा पेंडुलम लगा है जिसकी ऊंचाई करीबन 32 मीटर है। और जो पेंडुलम है जिसको कलकत्ता वालों ने बनाया है, कलकत्ता की एक संस्था ने बनाया है, वो करीबन 32 किलो का है। नहीं, अगर चालेंगे भैया तो मना करा देंगे हम लोग, नहीं हो सकता, रोक लिया जाएगा। अच्छा, अगर जो हम घर पर भी ऐसे लटका दें तो इसके पीछे कोई भैया सब कुछ बता दिया, टाइमों कैसे पता चलेगा ये बताओ ना सर। टाइमों सर एक ना देख के पता ना चले, वो बता दो, घड़ी बना लो हमारे सर। ये दर इसके बारे में बताइए ना कि ये क्या है, ये साइंस क्या है सर। बेसिकली क्या, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे फोकल, उन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश की थी एक विद अ वेरी सिंपल थ्योरी कि द अर्थ इज रोटेटिंग। तो उन्होंने उससे ये चीज प्रूफ किया था, हैंग का सिंपल पेंडुलम, और क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है तो अभी इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आफ्टर सम टाइम द डायरेक्शन विल चेंज। कैसे हो जाएगा, ऑटोमेटिक? हाँ, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है सर। अच्छा, क्योंकि रिलेटिव मोशन। ओके ओके, तो ये हमें मतलब ये हमें प्रूफ कर रहा है कि ये रोटेट कर रहा है, अर्थ रोटेट कर। तो अभी ऐसा है, कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा। यस सर। ओके, लेकिन हम, और ये क्या है ये जो आपने बनाया? ये सर इस पर्टिकुलर लैट लॉन्ग पे ये कंप्लीट रोटेशन के लिए टोटल लगते हैं 50 आवर्स। ओके, और इसलिए वहाँ एंड 50 पे हो रहा है। और इसी को सर जब हमारे घटी घड़ा हमारा जो टाइमिंग है उसमें जब स्विच करते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स, तो आपको हिंदी में जो रहे ये 150 है। ओके, तो मतलब 150 घंटे में एक रोटेट करता है या 50? नहीं नहीं, 50 आवर्स, 50 आवर्स हमारे जो टाइमिंग के हिसाब से, जो हिंदी टाइमिंग से, उसमें सर 150 मतलब अप्रॉक्स उनके अकॉर्डिंग 3 टाइम्स होते हैं, तो ये हिंदी में सर 150 है। ओके ओके, लेकिन ये पूरा घूमेगा, अभी ऐसे घूमेगा फिर ऐसे? हाँ, ये पूरा घूमेगा सर। तो ये इसको यहाँ कौन, मतलब किसने ये
ये कॉन्सेप्ट सर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक सीआरटीएल सर टीम है, ये उन्हीं के टीम के मेंबर्स है सर सब। अच्छा अच्छा, तो ये हमारे विद इन इंडिया सर जो इनकी इन हाउस बिल्ड टेक्नोलॉजी। तो ये केवल यहीं हुआ है या देश में और भी जगह हुआ है? बस सबसे लंबी जो हुआ है यहीं पर हुआ है। मतलब इसकी जो हाइट है ये कितनी हाइट है? ये अभी 73 फीट है और मीटर में बोलेंगे तो 22 मीटर हाइट है और 4 केजी का सर वो बॉब है। That's 34 kg with this string head. 24 kg? 34 kg. Okay, metal kya hai wo? Metal, gun metal. Gun metal. Okay. और ये देश में और कहाँ कहाँ बने हुए? देश में हमारे across the country बना है और पहली बार जब शुरू हुआ था इंडिया में आईक्यू में हुआ है 1991 में, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में जो है। ओके। प्रोफेसर जवीर नल्लिकर साहब थे, उनका इंस्पिरेशन से ये सुरक्षा, क्योंकि विदेश में हुआ था पहले। अच्छा। लेकिन इंडिया में नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसका सस्पेंशन मैकेनिज्म जो है दैट इज द वाइटल वन। अच्छा। सस्पेंशन मैकेनिज्म और इसको सस्टेन करना। ओके। क्योंकि ये तो नेचुरल ऑसिलेट होगा ही लेकिन कुछ देर बाद तो रुक ही जाएगा ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस है, ये है ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, तो उसका जो सस्टेन करने के लिए नीचे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है जो पल्स देता है। तो ये कॉइल कहाँ है? इसके नीचे, इसके नीचे इन द सेंटर द पीच। अच्छा, इसके नीचे ये मतलब जो हमने फर्श है ठीक सेंटर है, सेंटर में एट द सेंटर, तो वो उसका मूवमेंट कर रहा है। हाँ, वो पल्स दे रही है लेकिन वो पल्स वही कर रहा है जो एक्चुअल पल्स है जो हमारे घड़ी की जो पल्स है उसके हिसाब से। सर क्या कोई भी चीज हम अगर ऐसे ऑसिलेट करके छोड़ देंगे टाइम के साथ रेजिस्टेंस है तो बंद हो जाएगा, ड्रैग है हमारी उसके हिंज पे रेजिस्टेंस है तो रुक जाएगा, इसलिए वो उसको बीच में एनर्जी इंपार्ट करता रहता है ताकि कंटीन्यूअसली मूव करता रहे। ओके। और ये अभी ऐसा है कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा और फिर ऐसा हो जाएगा? जब एक्सियल हम पोल में खड़े रहेंगे एट द पोल वहाँ पे 24 आवर्स ठीक है, जैसे जैसे टूवर्स इक्वेटर आते रहेंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अच्छा, not sunlight, it's related to earth rotation about its own axis. Thank you. क्या अब आपका क्या नाम है? तपस कुमार महाराणा। तो आप इसी डिपार्टमेंट से? हाँ। और आप? मैं विशाल, मैं CPWC से। CPWC से, ओके ओके। और आप? मेरे को सेम से। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ये जो है 26 जनवरी 1950 में जो नक्षत्र जो नक्षत्रों की स्थिति थी, अगर आपको उन पर्टिकुलर पेंडुलम के बारे में जानना है वो मुझे पता है सर। फोकस यस सर, इसके बारे में पता है ये बनाया कलकत्ता का लोगों ने। हाँ सर, कलकत्ता के लोगों ने बनाया सर। आई एम संदीप फ्रॉम वर्तमान न्यूज़पेपर। एक मिनट आप तो बात नहीं कर रहे ना, आप इतना